आता लिहायला लिहायचं पण आहे आणि डायरेक्ट पण करायचं आहे. थोडा टाइम लागेल लेकिन करून घालून मेरे लिए तो मेरे जो 3 साल तक मैं सिर्फ ऑडिशन दिए और मैं कभी सिलेक्ट नहीं हुआ वो मेरे लिए सबसे बड़े लर्निंग इयर्स थे क्योंकि उसमें ऑडिशन के दौरान मैंने काफी कुछ सीखा. खुद को आप यहाँ पे हर चीज के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं. अगर आपको बूस्ट भी करना है तो आप खुद है. अगर आपको डिमोटिवेट करने के लिए भी आप खुद है. मंडळी नमस्कार, मी प्रेरणा, तुम्ही बघताय सकाळ. आणि आता माझ्यासोबत जो कलाकार आहे, म्हणजे वैविध्यपूर्ण काम तर आपण म्हणूच शकतो, पण विविध सिरीजच्या माध्यमातून, चित्रपटाच्या माध्यमातून एक त्यांच्या कामातलं वेगळे पण आपल्याला जाणवतं. मग ते विनोदी भूमिका असतील किंवा काही इंटेन्स भूमिका असतील, याच्यात ते कायम त्यांचा ठसा उमटवतात. आणि तसे शारी भाषवी आहेत आपल्यासोबत. खूप स्वागत आहे सकाळमध्ये. थँक्यू सो मच. मी जानना चाहूंगी क्योंकि मल्हार फिल्म जो मराठी भी लैंग्वेज है उसमें, तो ये अनुभव किस तरह से रहा आपका, कसा राहिला तुमचा अनुभव? ओरिजिनली हिंदी मी बनी आहे, मराठी मध्ये मी डब केलेली आहे आणि माझ्या कॅरेक्टर साठी मीच डबिंग केली आणि ते एक्सपिरियन्स मला माझ्यासाठी थोडं वेगळं होतं आणि बहुत मजा आया मराठी में डब करने को. आई वॉन्ट टू डू अ फुल फ्लेज्ड मराठी फिल्म वेरी सून. आई होप इट हैपेंस सून. प्लीज कीजिए. बट डबिंग के टाइम पे विशाल ने बोला कि मैं माझा उच्चारण एंड एवरीथिंग वाज फाइन. बहुत अच्छी बात है, तुम्ही खूब छान बोलता है मराठी. हाँ, मतलब अभी मुंबई का ही हूँ तो स्कूल में तो अच्छे से मतलब मराठी पढ़ा हूँ तो जी. लेकिन अभी बहुत टाइम से रस्ट चढ़ गया है थोड़ा, तो जंग साफ करना पड़ेगा अभी. लेकिन मला असं वाटतं कलाकार म्हणून तुम्ही काम करत असताना एखादी वेगळी भाषा असेल तर तुम्हाला आप और एक्सप्लोर कर पाते अपने अंदर के कैरेक्टर को. Absolutely. किस तरीके से रहा इस फिल्म के माध्यम? इस फिल्म के लिए वैसे तो मुझे गुजराती डायलेक्ट के ऊपर वर्क करना पड़ा था क्योंकि स्टोरी इज इन कच्छ, तो वहां पर पूरा बेस्ड है, तो वो कच्ची गुजराती मिक्स, बिकॉज आई एम अ गाइड, टूरिस्ट गाइड, तो वो तो अलग अलग जगहों पर जाता रहता है, तो उसकी सिर्फ कच्ची नहीं, उसकी मिक्स मिश्रित गुजराती और सब तोड़ फोड़ के ब्रोकन इंग्लिश में बात करता है, तो वो जिस तरीके से उसका पूरा स्टाइल था बात करने का वो बहुत अलग था, जिसके ऊपर मुझे काम करना पड़ा जी. और बट वो मुझे मजा बहुत आया वो करने में. स्पेशली एक तो जो लोकेशन थी, आई गॉट टू गो टू कच्छ फॉर मल्हार, उससे पहले मैं कभी गया नहीं था, तो मैं फर्स्ट टाइम आई वेंट टू कच्छ फॉर मल्हार शूट. और अंजलि के साथ फिर से काम करने का मौका मिला, तो वो हमने इससे पहले एक और फिल्म की थी, तो ये फिल्म में जब मुझे पता चला कि अंजलि भी है तो मैं मतलब बहुत मतलब काफी खुश हो गया था, बिकॉज़ शी इज अमेजिंग, मतलब आई रियली लव हर एज एन एक्ट्रेस और एज अ पर्सन आल्सो, शी इज अ स्वीटहार्ट. सो ट्रू. लेकिन या चित्रपटामध्ये टूरिस्ट गाइड ये जो कैरेक्टर है ना रियल लाइफ में, बहुत इंटरेस्टिंग है. हम लोग जहाँ भी जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ तो होता है उनमें. yes. जो हम ले पाए. आपने कभी ऐसी कोई ट्रिप की है और जहाँ पे ऐसा कोई टूरिस्ट गाइड है वो आपके जहन से जाएगा नहीं ऐसा, और जिसकी मदद भी हुई रहेगी कैरेक्टर के लिए? मैं एक बार मुझे याद है महाबलेश्वर में शायद हम लोग कहीं गए, तो वो एक गाइड बार बार बता रहा था, तो सनी देओल का एक गाना है बेताब का, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, वो यहाँ पे शूट हो रहा है, बार बार पर्वतों से आज मैं टकरा गया. तो वो मुझे अभी भी मतलब This happened in 2004, लेकिन मुझे अभी तक वो याद है, जिस तरीके से पर्वतों से आज मैं टकरा गया मेरे कान में अभी भी टकराता रहता है. क्योंकि उनका वो टोन भी एकदम टोन होता है जी, अलग कर्कश, क्योंकि लोग इतना बात करते हैं. बहुत मजा आया. लेकिन इस फिल्म में अंजलि है, ऋषि, आपकी एक कहानी है, वो कहानी मी तुम्हाला ती पूर्ण कथा नाही विचारणार, बट क्या है उसमें? नहीं, बहुत इंटरेस्ट रहा इस किरदार के लिए. इस किरदार के लिए एक तो वो जिस तरीके का उसका पहनावा भी है, जिस तरीके की उसकी बात करने की का अंदाज है जी. और जो मतलब वो एक स्ट्रीट स्मार्ट और मतलब हर चीज में मतलब कुछ ना कुछ बात निकाल लेने वाला, अपना काम निकालना उसको आता है, चाहे वो फॉरेनर हो या गांव की लेडीज हो, वो सबके साथ में घुल मिल जाता है. तो वो वैसा एक कैरेक्टर है. और एक उसके अंदर एक ट्विस्ट है जो इस वक्त मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो जब मैंने पढ़ा तो मुझे वो उसने मुझे बहुत इंट्रीग किया. एंड जब मैंने विशाल के साथ में पहली मेरी मीटिंग हुई, जब मैंने उससे नरेशन सुना, फिर बाद में मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी.
और उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई, मुझे वो देखी तो वो भी मुझे अच्छी लगी। तो मुझे विशाल पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, और मतलब जब हमने साथ में काम शुरू किया तो मतलब एकदम ही मतलब क्या कहेंगे उसको, भूल गए उसमें कि भाई ये बंदा मस्त बनाएगा जो भी बनाएगा। तर शारी बहन जी, जब मी आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की ते लेखक ते अभिनेता असा हा त्यांचा प्रवास आहे, राइटर टू ऍक्टर, ये जर्नी के वक्त आपके अंदर के राइटर को मिस करते हैं आप, या फिर वो जर्नी भी इस जर्नी के साथ शुरू रहती है आपकी? अभी एक्चुअली वो जर्नी थोड़ी रुकी हुई है, मुझे वो फिर से स्टार्ट करनी है। बट हाँ, कभी कभी मिस करता हूँ मैं लिखना, स्पेशली मैंने जो कुछ भी लिखा है वो नितिन करते के साथ में लिखा है, जिन्होंने फिल्मिस्तान बनाई है और राम सिंह चाली हमने साथ में बनाई, फिल्मिस्तान के डायलॉग मैंने लिखे हैं, राम सिंह चाली के साथ हम दोनों ने मिलकर पूरी स्क्रिप्ट लिखी है, और मित्रों और नोटबुक इन सब के डायलॉग्स लिखे हैं। तो मैंने जब भी राइटिंग का काम किया है वो नितिन के साथ में किया है, तो आई मिस more than just writing, I miss writing with Nitin. Okay, वो टीम वर्क आप मिस कर रहे हैं कि हम मतलब जब साथ में बैठते हैं तो बहुत मुझे लगता है कि मतलब एनर्जीज अच्छी फ्लो होती हैं। लेकिन आने वाले दौर में कुछ लिखना है आपको कुछ? I want to, मुझे मतलब लिहाई से तो ना है यानी डायरेक्ट पर कर ऐसे। Wow, interesting. तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन करूंगा जरूर। आपके जर्नी में आपको बहुत पहले से हीरो बनना था, लेकिन ये हीरो बनना था या एक्टर बनना था? नहीं, कोई जब मैं छोटा था तब मुझे बचपन में तो एक्टर एक्टर क्या पता होता है, सोचता हूँ आप देख रहे हैं मतलब मिथुन चक्रवर्ती को, रविंदर जी को, गोविंद को, और वो सब लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, तो आपके दिमाग में तो हीरो ही होता है बचपन में वो है। लेकिन फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि मैं तो वैसी मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, कुछ नहीं, इतना बड़ा ही नहीं हूँ। आप हमेशा ये बोलते हैं क्या करूँ, ये फ्लो हो जाता साथ में, तो उस वजह से मैंने सोचा कि आई डोंट हैव दैट पर्सनैलिटी कि मतलब कैरी ऑफ यू नो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मुझे लगा कि मैं एक्टिंग मुझे नहीं करनी है, और मैंने आई गिव अप माय डिजायर टू बिकम एन एक्टर कंप्लीटली, मैंने उसको एकदम अंदर सप्रेस कर दिया। बट जो भी करना था इसी इंडस्ट्री में करना था, तो आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, देन आई शिफ्टेड टू राइटिंग। राइटिंग के वक्त मैं जब एनडीटीवी के लिए लिखा करता था तो वहाँ पर हम लोग स्पूफ फनी स्केच कॉमेडीज बनाते थे जी, तो जो कैरेक्टर जो भी अगर मैं कुछ सुनाता था स्क्रिप्ट वहाँ पर, तो जो डायरेक्टर हैं वो बोलते थे कि ये कैरेक्टर तू कर ले, उन्हें अच्छा नरेट किया, तो वहाँ पर वो फ्रीडम थी और मतलब वो सब था। तो सडनली एक बैकडोर एंट्री मारी एक्टिंग में, और मतलब आई यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट व्हेन आई वाज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो मतलब यार ये तो मतलब अलग ही मेरे लिए, सैटरडे संडे के अलावा एक और एक्स्ट्रा छुट्टी हो जाती थी अगर हम लोग बोलते थे आज शूट करना है, तो मैं इतना खुश हो जाता था। बट इट टुक मी अ लॉन्ग व्हाइल टू रियलाइज कि यही तो है मेरी कॉलिंग, जिसको मैं काम नहीं समझ रहा हूँ, जिस दिन मैं शूट करता हूँ मुझे लगता है कि मेरी एक्स्ट्रा छुट्टी है, तो फिर वही मेरा काम बन जाएगा, तो फिर उससे बढ़िया मतलब क्या हो सकता है। पर वो रियलाइज करने में टाइम भी लगा, और इसलिए भी क्योंकि शादी भी हो चुकी थी, बच्चा भी हो चुका था, तो एक डिसीजन लेना बड़ा डिफिकल्ट होता है कि दोनों एक एज के बाद भी आप अपना अच्छी खासी मतलब एक वेल पेइंग सैलरी को क्विट करके एक नए सिरे से नया करियर ऑप्ट करें स्क्रैच से, तो वो बहुत उस वजह से मैं हिलावा रहता था। बट फाइनली आई टुक दैट प्लंज एंड आई टुक दैट लीप ऑफ फेथ और नौकरी वोकरी छोड़ छाड़ के एक्टिंग में घुस गया था, उसके बाद बहुत बैंड बजी। लेकिन बैंड बजने के बाद ही जो मिल रहा है अभी, जो सक्सेस है, दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ जो मैंने लिया कि नौकरी छोड़ के एक्टिंग। पर ये जो होता है ना मैनिफेस्ट करना कि वहाँ तक पहुँचना है, मतलब उसका रास्ता हम पता नहीं था, हम जाते रहते हैं, वो रास्ता नहीं पता होता, हम जाते रहते हैं लेकिन वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये मैनिफेस्ट की प्रोसेस आपने ती अनुभव लिएगा था, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं काम आता है, तो आप यही कर सकते हो। मेरे लिए तो मेरे जो 3 साल तक मैं सिर्फ ऑडिशन दिए और मैं कभी सेलेक्ट नहीं हुआ, वो मेरे लिए सबसे बड़े लर्निंग ईयर्स थे, क्योंकि उसमें ऑडिशन के दौरान मैंने काफी कुछ सीखा। मेरे लिए ऑडिशन मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड था, ऑडिशन करना था वो मेरा रियाज था, तो मैं तो बहुत एंजॉय किया वो।
जब रिजेक्शन होता था उसको हैंडल करना, हाँ हैंडल करना, एक्टर्स डेली बेसिस पे ना 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 जब आप सुनते हैं तो वो आपको मेंटली कहीं ना कहीं असर जरूर करता है. Does that motivate? जब ना सुनते हैं तो खुद को भी बूस्ट करना जरूरी होता है. yeah, खुद ही रहते हैं अपने आप को. खुद को आप यहाँ पे हर चीज के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं. अगर आपको बूस्ट भी करना है तो आप खुद हैं. अगर आपको डीमोटिवेट करने के लिए भी आप खुद हैं तो इसके लिए आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है. और मेरे पता नहीं एक दिल में बोल रहा था कि मैं हूँ भयंकर टैलेंट है, उसकी कमी नहीं है. लोगों तक वो पहुंचने में थोड़ा बहुत लगेगा, लग रहा है उसमें कोई बात नहीं, बट टाइम आ जाएगा और थोड़ा टाइम लगेगा तो लगेगा, लेकिन अपने भी इसके अलावा कुछ आता नहीं तो यही करेंगे. स्वतःवर विश्वास रखना गरजेचं असतं. वो आप में खुद पर विश्वास था इसलिए. यस यस, खुद पे भरोसा. अगर आप नहीं करेंगे तो सामने वाला आप ही कैसे भरोसा करेंगे. और एक सवाल आपसे पूछना है कि आप रियल लाइफ में बहुत दिलचस्प इंसान है, बट ये करियर में कितना काम आता है दिलचस्प इंसान होना? दिलचस्प इंसान क्योंकि घुल मिल जाते हैं ना लोगों के साथ. मेरी घुल मिल तो मैं जाता हूँ सबसे. और शूट पर मैं मतलब ऐसा मैंने सुना है लोगों और मुझे, जब अगर मैं पहुंचता हूं तो क्रू में भी जो लोग होते हैं, अरे शाहरुख भाई आज तो मतलब मजा है. तो वो मुझे जब एक लाइट मैन भी मुझे देखे खाली एकदम ऐसा खेल जाता है ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. भले हमारी बात भी ना हो या कुछ भी ना हो, लेकिन वो लोग मुझे काफी एडीज भी कहते हैं कि व्हेन यू आर अराउंड देयर इज अ यू नो क्या कहते हैं उसको, अ गुड गुड वाइब्स होती हैं, अच्छा एटमॉस्फेयर होता है सेट पे. तो वो मुझे बस वो इतना भी कह रहे हैं तो मेरे को अच्छा लगता है. तो मेरे ख्याल से वो दिलचस्प वाली जो बात है, शायद वो इस वजह से ये एक पैदाम आती होगी. आप लिखते हैं तो कुछ लिखा है रिसेंटली आपने? रिसेंटली अभी कुछ नहीं लिखा है. मैं अभी आई एम वर्किंग ऑन कविताएं. शायरी भी लिखते हैं आप? कविताएं शायरी तो मैं इतनी नहीं लिखता. हां मैं का मतलब पढ़ते हो? हां पढ़ता हूं बहुत सारा, पढ़ता हूं कविता भी शायरी भी. और मुझे एक्चुअली ज्यादातर मुझे ये मतलब गजलें और नज़्में ये सब पढ़ने का ही ज्यादा शौक है. और अभी मैंने एक थोड़ी लंबी नज़्म, लेकिन मैंने एक ज़हरा निगाह करके एक पोएट्रेस हैं और शायरा हैं, उनकी एक नज़्म है जो मुझे बहुत पसंद है. पेश करेंगे अभी आप? हमें मतलब थोड़ा शायद बिल्कुल बिल्कुल जी. कि सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छाओं में जाकर लेट जाता है, हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे भूल कर कौवे के अंडों को परों से थाम लेते हैं, सुना है घोंसले से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर, सुना है जब किसी नदी के पानी में कौए के घोंसले का गंदुमी साया लरसता है तो नदी की रुपहली मछलियां उसको पड़ोसी मान लेती, कोई तूफान आ जाए कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी सांप बकरी और चीता साथ होते हैं, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर, खुदा बंदा जली वो मोतबर दाना और बीना मुनसिफो कर हमारे शहर में अब जंगलों ही का कोई दस्तूर नाफिस कर, हमारे शहर में अब जंगलों ही का कोई कानून नाफिस कर, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है. बाप रे, बहुत ही मतलब जहन में जाने वाले शब्द है इसके. आज के लिए मतलब क्योंकि लोग इतने इंसान इतना ज्यादा अभी हो दे रहे हैं, आप थोड़े से इमोशनल भी हो गए शायद. वो मैं मतलब बहुत कंट्रोल कर रहा हूं. ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हमें अंदर तक एक इंसान झंझोर देती है. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इस फिल्म के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं. और आने वाले दिनों में हम आपको जरूर जल्द ही किसी मराठी फिल्म में, बहुत सारे मराठी डायलॉग्स बोलते हैं, देखेंगे. प्लीज प्रे ये हो जाए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ
सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.